अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो नाज़रीन, आज हम आपको समोसा पट्टी बनाना सिखा रहे हैं और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो नाज़रीन, ये हाफ़ टी स्पून नमक है, हाफ टी स्पून जो है अजवाइन है और 1 टीस्पून जो है घी है। और ये तकरीबन अगर वज़न में देखा जाए तो ये आधा पाव जो है ना मैदा है, यानी 125 ग्राम, और एक पाव का जो होता है ना 250 ग्राम होता है। तो इसका हम जो है समोसा पट्टी बनाएंगे। पहले हम इसको नॉर्मल जो है ना गूंद के रख देते हैं और 10 मिनट के बाद फिर बताएंगे कि क्या करना है। तो नाज़रीन, इन तमाम चीज़ों को मैंने मैदे में मिक्स कर लिया है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और अब हम इसको नरम डो नहीं लगाएंगे, बस दरमियानी डो लगाएंगे, जैसे रोटी का आटा गूंदते हैं, ठीक है। दरमियानी जो है हम इसको मैदे को गूंद लेंगे और इसको 10 मिनट का हम 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे। तो मैं अब आपको गूंद कर दिखाती हूँ। देखिए, इतना नरम आटा गूंदना है जैसे कि रोटी का गूंदते हैं हम, और ये बिल्कुल जो है ना स्मूथ हो चुका है। अब हम इसका बताते हैं किस तरीके से हम इसकी समोसा पट्टी बनाएंगे। तो नाज़रीन, इस तरीके से आपने इसको लंबा कर लें और इसके हम बनाएंगे 8 पेड़े छुरी से काट के। ज़्यादा बन रहा, तो नाज़रीन इसके 8 पेड़े हम बनाएंगे और फिर इसकी 8 चपातियाँ हम बेलेंगे इस तरीके से। छोटे छोटे बाउल बना लेंगे। तो नाज़रीन, ये 8 पेड़े हमारे बन चुके हैं, 2, 4, 6 और 8। अब हम इसको जो है ना बेलते हैं और इसके बाद क्या करेंगे ये भी हम आपको बताते हैं। पहले छोटी छोटी सबकी चपातियाँ बेल लूँगी मैं। नाज़रीन, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मैदा छिड़क के हम इसकी एक साइज़ की चपातियाँ बेल लेंगे, बस इतनी बड़ी बड़ी हम चपातियाँ बेल लेंगे। इस तरीके से आपने इस पर मैदा थोड़ा थोड़ा छिड़क के और बिल्कुल गोल गोल एक साइज़ की सारी चपातियाँ बेलनी है। घर में बहुत सस्ते जो है ना समोसा पट्टी बन के तैयार हो जाएगी। बाज़ार से तो अब वैसे भी हर चीज़ महंगी हुई हुई है, तो कोशिश करें कि घर के अंदर ही इस रमज़ान में हर चीज़ घर में बनाएं, और बहुत आधी कीमत में बनती है, आपको अंदाज़ा होना चाहिए। जो लोग बनाते रहते हैं उनको पता है कि घर में जो चीज़ बनती है वो अच्छी भी बनती है और कम कीमत में भी बनती है। इस तरीके से हमने सारी चपातियाँ बेल ली। अब हम क्या करेंगे, इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, घी लगा लें, ऑयल लगा लें, ठीक है ना, इसको अच्छे से एक किनारों पे भी, ताकि आपस में जुड़े नहीं। इस तरह लगा के और इस पर थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे। मैदा छिड़कने के बाद फिर हम इसके ऊपर एक चपाती और इस पर बिछा देंगे, ठीक है। इसके ऊपर फिर हम ऑयल लगाएंगे। बहुत आसानी के साथ आपकी समोसा पट्टी तैयार हो जाएगी जैसी आप चाहते हैं। फिर मैदा छिड़केंगे, और इस पर फिर एक चपाती फैला देंगे, ठीक है, इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। ये 3 हो गई चपातियाँ,
और ये अब मैं इसके ऊपर चौथी लगाऊंगी। चार चपातियों की तह बनेगी। इस तरीके से, ठीक है नाज़रीन। अब इसके ऊपर जो है ना, हम थोड़ा सा ये मैदा छिड़केंगे और इसको हम बेलेंगे। इसके नीचे भी छिड़केंगे ताकि ये चिपके नहीं। इस तरीके से बिल्कुल इसको पतला बेल देंगे। और मैंने नाज़रीन तवा गरम करने के लिए रख दिया है चूल्हे पे, तो ऐसे ही आपने करना है। तवे को दरमियाना मीडियम आंच जो है ना करके, और उसके ऊपर तवा रख दें आप, और इस तरीके से इसके ऊपर मैदा छिड़क के कि ये चिपके नहीं, और इस तरह हम बेलते रहेंगे इसको। थोड़ा पतला बेलना है, बिल्कुल रोटी के बराबर हो जाएगी फिर। ये मुकम्मल एक रोटी के बराबर साइज़ में जो है हो गई है। अब हम आपको दिखाते हैं कि गरम तवे पे डालना है इसको। नाज़रीन ये गरम तवा है हमारा, इसके ऊपर हमने डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा सिकने देंगे हम, ज़्यादा नहीं सेकना, बस हल्का सा सेकना है, ठीक है। अभी और इसके ऊपर प्लेट पर उतार लेंगे, ठंडा होने देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। और ये चपाती को हम अलग कर लेंगे। ये देखें कितनी पतली गरम गरम हुई हुई है। बहुत गरम है अभी, मैं इसको अलग करके आपको दिखाती हूँ। सारी चपातियों को अलग कर लेना। तो नाज़रीन ये इस तरीके से ये पट्टी हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसको हम काट कर दिखाते हैं, मतलब चाहे आप किसी चीज़ से भी काट लें, मैं आपको इस तरह ईजी तरीके से बता रही हूँ। और ये जो साइड की बचेगी ज़ाया होके नहीं जाएगी, ठीक है। इसकी जो है ना चाट की पापड़ी बन जाएगी, बेहतरीन पापड़ी तैयार होगी। ये इस तरीके से जो है आप आराम से समोसे को इस तरह करके, ये बड़ा समोसा बन जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आप आराम से जो मतलब आलू के बनाने या कीमे के बनाने, चिकन के बनाने, और बना के और इस तरीके से फोल्ड करके और अपने समोसा बना सकते हैं। ये तो खैर बड़ा है, अब मैं आपको छोटा भी बनाना सिखाती हूँ। और अगर आप और स्मॉल साइज़ का चाहते हैं, छोटा सा बिल्कुल, तो आप देखो इस तरीके से करके, यूं करके और इस तरीके से करके आराम से जो है ना छोटे छोटे स्मॉल साइज़ के समोसे बना सकते हैं। और अगर आप रोल बनाना चाहते हैं तो इसको काटें नहीं, ठीक है। दरमियान में इसके चिकन या आलू कुछ भी रख के आप पहले इसको इस तरह करें, थोड़ा सा यहाँ से इसको इस तरह कर दें ये करके, और ये आराम से आपका रोल, बेहतरीन रोल तैयार हो जाएगा घर के अंदर ही। और बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। देखें कितनी पतली बनी है। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो है अजवाइन डाली थी मैंने, और अजवाइन का जायका तो आपको पता है कि कितना अच्छा होता है।
तो नाज़रीन इसी तरीके से बहुत आसानी से आप बनाएं। ये देखें ज़रा, मेरा हाथ भी नज़र आ रहा है कितनी नरम बनी है बिल्कुल। इसी तरीके से देखें, ये आधा पाव के अंदर जो है ना अच्छे खासे जो है ना। अच्छा, और एक तरीका और बताती हूँ मैं आपको, इसको बीच में से काट लें। ये आधी आधी हो गई, ठीक है ना। इस तरीके से आप करें, इस तरीके से ये बेहतरीन जो है छोटा सा समोसा तैयार होगा। ये लिफाफा बन गया इसका। और आराम से इसको आप वो जो है मैदा होता है उसको घोल के और आप इसका बेहतरीन वो बना सकती हैं, छोटा सा समोसा तैयार हो जाएगा। हाफ़ करके भी बन सकता है, ठीक है ना। और ये देखें कितनी सफाई से माशाल्लाह घर में तैयार हो गए। और ये तकरीबन जो है ना 20 रुपये में ये इतने सारे समोसे बन जाएंगे, ये इतनी सारी रोटियाँ तैयार हो जाएंगी आपकी पतली पतली इसकी समोसा पट्टी की। और इसी के अंदर से जो है ना आपकी जो है वो तैयार हो जाएगी पापड़ी। तो इसी तरीके से बनाइएगा, मैं आपको इसका जो है ना मुकम्मल समोसा तैयार करके भी दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो मैंने आपको समोसा पट्टी बनाना सिखाया है, अभी आपके जहन के ऊपर है कि आप किस तरीके से जो है बनाते हैं। अभी तो मैं इसको अच्छा सेव करने का तरीका है कि आप इसको जो है ना किसी बंद ढक्कन के मतलब कोई अच्छा सा जार ले लें और उसके अंदर सेव करके रख दें किसी कागज़ में लपेट के या कपड़े में लपेट के, तो ये बिल्कुल सूखेगी भी नहीं और आराम से तैयार हो जाएगी, ठीक है नाज़रीन। आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और मुझे अपनी खुसूसी दुआ में याद रखिएगा। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला ये रमज़ान मुबारक का महीना जो आ रहा है इसकी बरकत से जो ये महंगाई का ज़ोर है इसको तोड़ दे अल्लाह ताला, ठीक है ना। और आप भी दुआ में खुसूसी तौर पे दुआएं मांगें। अभी ये लोग कह रहे हैं ना कि बहुत महंगाई होगी, ऐसा होगा, कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। अल्लाह से अच्छी तवक्का रखें, अच्छी अच्छी बातें करें। तो इस तरीके से बस आप जो है घर के अंदर ही, और कोई महंगाई महंगाई नहीं, ये सिर्फ़ हमारे अमाल का वो है कि जिस वजह से हम ये सज़ाएँ भुगत रहे हैं। अल्लाह से दुआएँ मांगें, अस्तगफार की कसरत करें और आयत करीमा वो भी 313 दफ़ा पढ़ें, क्योंकि आजकल सब लोग यही कह रहे हैं कि 313 दफ़ा आयत करीमा पढ़ें। और एक है रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, ये भी 313 दफ़ा पढ़ें। हसबुनल्लाहु नेमल वकील, वो भी 313 दफ़ा पढ़ें, ठीक है। इस वक्त अस्तगफार की जो है ना कसरत की बहुत अशद ज़रूरत है कि हम इज्तिमाई तौर पे जो भी इंसान ज़िक्र करता है ना उसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो अल्लाह से खैर की दुआएँ मांगें। कोई ये किसी की बातों में नहीं आए कि भाई लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत होगी, ऐसा होगा, कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। अल्लाह से अच्छी तवक्का रखें, क्योंकि जैसा इंसान गुमान करता ना वैसा ही मामला होता है। तो इसलिए अच्छा गुमान रखें और इस तरीके से आप रमज़ान के मज़े लीजिएगा, अच्छे अच्छे समोसे बनाइएगा, रेसिपियाँ बनाइएगा। बहुत आसान रेसिपी है ये, ठीक है। चले, मैं इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।